हेलो दोस्तों, टेक्निकल निसार में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले है और इन दो पिनों को टेस्ट प्रोब कहते हैं, जिसमें रेड वाले को पॉजिटिव प्रोब और ब्लैक वाले को निगेटिव प्रोब कहते हैं। ये मल्टीमीटर का पॉइंटर है, जिसको घुमाकर हम मल्टीमीटर के अलग अलग फंक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर से हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर के कनेक्टर्स है, जिससे हम टेस्ट प्रोब कनेक्ट करते हैं। मल्टीमीटर में निगेटिव प्रोब कॉमन होता है, इसलिए हम इसमें ब्लैक प्रोब कनेक्ट करते हैं और इन बाकी दो कनेक्टर्स में से बीच वाले कनेक्टर में हम रेड प्रोब कनेक्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इससे हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, रेसिस्टेंस, कंटिन्यूटी और मिली एम्पियर चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 200 मिली एम्पियर डीसी से ज़्यादा चेक करना है, तो आपको ये रेड वाला प्रोब ऊपर वाले कनेक्टर में लगाना होगा। इसमें आप मैक्सिमम 10 एम्पियर डीसी तक टेस्ट कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमें पॉइंटर को डीसी वोल्टेज के रेंज में रखना होता है। यहाँ डीसी वोल्टेज का सिंबल बना हुआ है, इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि ये डीसी वोल्टेज का रेंज है। इस मल्टीमीटर में हम मिनिमम 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। वोल्टेज चेक करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जितना वोल्टेज हमें चेक करना है, पॉइंटर को उसी रेंज में या उससे ज़्यादा के रेंज में रखना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपको 24 वोल्ट डीसी चेक करना है, तो आपको पॉइंटर 200 के रेंज में रखना होगा, क्योंकि इस मल्टीमीटर में 24 वोल्ट का रेंज नहीं है। अगर फिर भी आप 20 वोल्टेज के रेंज में पॉइंटर को रखकर 24 वोल्ट चेक करते हैं, तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। डीसी वोल्ट को चेक करने के लिए रेड प्रोब को पॉजिटिव और ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पॉइंट पर रखते हैं। अगर आप रेड प्रोब को निगेटिव टर्मिनल और ब्लैक प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल पर रखते हैं, तो आपको डिस्प्ले पर वोल्टेज के साथ माइनस का सिंबल भी दिखाई देगा। इस तरह हम वोल्टेज सोर्स की पोलारिटी भी पता कर सकते हैं। एसी वोल्टेज का रेंज पता करने के लिए हम एसी वोल्टेज के सिंबल को देखते हैं। इससे हम मिनिमम 200 वोल्ट एसी से लेके 750 वोल्ट एसी तक चेक कर सकते हैं, क्योंकि एसी वोल्टेज की कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए हम किसी भी प्रोब को किसी भी टर्मिनल में लगा सकते हैं। डीसी एम्पियर को चेक करने के लिए हम पॉइंटर को डीसी एम्पियर के रेंज में रखते हैं।
इससे हम 2000 माइक्रो एम्पियर से लेकर 200 मिली एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। अगर आपको 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा चेक करना है तो आपको पॉइंटर 10 एम्पियर डीसी के रेंज में रखना होगा और रेड प्रोब को 10 एम्पियर डीसी वाले कनेक्टर में लगाना होगा। इसी तरह रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम पॉइंटर को रेजिस्टेंस की रेंज में रखते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इससे हम 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम तक चेक कर सकते हैं। रेजिस्टर्स में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, इसलिए हम इसके किसी भी सिरे पर एक प्रोब रखते हैं और दूसरे सिरे पर दूसरा प्रोब। किसी वायर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम पॉइंटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रखते हैं और चेक करते हैं। ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, इसमें हम वायर के एक सिरे पर एक प्रोब लगाते हैं और दूसरे सिरे पर दूसरा प्रोब। अगर बीप की आवाज आती है तो वायर सही है, अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है तो हम ये समझेंगे कि वायर कहीं से टूटा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने डिजिटल मल्टीमीटर के इस्तेमाल के बारे में सीखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह के ट्यूटोरियल्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।